मोबाइल कौन बोला? मैं रुको यार थोड़ा रुको मैडम। अंकिता जी कैसे हो? अंकिता भाई इतना समोर मैडम इतना बना वो तो भी है मेरे पास देखो अंकिता जी यहाँ पे मैम यहाँ पे बारिश हो रहा अंदर आ जाओ जब भी ट्रॉफीज़ मिलती है या अवार्ड जब भी मिलता है किसी चीज़ के लिए वो हमेशा एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आपको पता चलता है पीपल आर अप्रिशिएटिंग। सो आई डेफिनेटली मेरे पास मेरे सोलो अवार्ड्स बहुत हैं लेकिन ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मिस्टर जैन के साथ मुझे मिला है। सो या दिस इज़ वेरी स्पेशल एंड दिस इज़ ये दिखाता है कि लोग हमें कितना प्यार। सर क्या कुछ कहना चाहोगे? स्मार्ट जोड़ी की ट्रॉफी तो आ चुकी है, बस जगह बना रहे हैं ट्रॉफीज़ की कि और ट्रॉफीज़ आती रहें, लोगों का प्यार मिलता रहे। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया एंड वी एक्चुअली डिड नॉट गेट एनी प्लेटफॉर्म टू से थैंक यू टू एवरीबडी हु हैज़ एक्चुअली गिवन अ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू बोथ ऑफ अस फॉर आवर न्यू हाउस। आई थिंक फैंस तो ठीक है लेकिन जब हमें मिली थी ट्रॉफी हम दोनों इतने लिटरली हम लोग चिल्लाए थे और इट वॉज जस्ट समथिंग ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ जीत लिया क्योंकि पहला अवार्ड था। बट येस फैंस ऑफकोर्स फैंस के सपोर्ट के बिना कोई भी आई थिंक हमारी इंडस्ट्री फैंस के दम पर चलती है। फैंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी थैंकफुल टू ऑल द फैंस ऑफ मी एंड विकी जो इतना प्यार करते हैं इतना सराहते हैं। आई ऑलवेज गिव आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देयर लव। हाल ही में साल की बहू की एक रील आया एक्चुअली मैं उसके लिए बताता हूँ कि एक्चुअली वो बिल्कुल भी अनप्लान्ड था और जब वो एक्चुअली बनाया जा रहा था तो आपने देखा होगा उस वीडियो में कि सारे के सारे लोग एक्चुअली अपने 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 कामों में है, किसी को पता ही नहीं था वो वीडियो बन रहा है। अचानक से अंकिता आई, अंकिता से उसमें घूमती थी, हमको लगा यूँ ही चल रहा है बट आज जब फाइनली वो बन के आया तो इट लुक वेरी सरप्राइज। इवन इन द कमेंट सेक्शन पीपल वर सेइंग अगर कोई नेक्स्ट सीजन आता है तो आई थिंक स्मृति मैम की जगह ना कोई ले सकता है ना मैं लेना चाहूँगी क्योंकि हर किसी की अपनी एक जगह होती है। तो आई थिंक वो जो है बस मैंने उनके लिए कुछ करने की कोशिश की और एकता मैम के लिए बिकॉज ये शो ऐसा है जो हमेशा दिल में था। तो वो जब मैं घर में जा रही थी तो यू ऑटोमेटिकली गेट दैट फीलिंग कि वो दरवाजे से ओपन करके जस्ट वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस माई फैमिली एंड बस दैट्स इट, दैट वॉज माई मोटिव। और सास बहू, सास भी कभी बहू थी, हो गए, पवित्र रिश्ता हो गया, I'm done. नहीं नहीं वेब सीरीज है बट अभी आने वाली है, so we will get to know. कब तक August, August. अभी तक तो नहीं कोई म्यूजिक एल्बम बट जब भी होगा जो भी होगा आई एम श्योर आप लोगों तक वो बात पहुँचेगी। आई होप वी मेक समथिंग लाइक दैट। आई एम टेलिंग हिम ही इज सच अ गुड डांसर एंड बोलो इससे मुझे बना मेरे को जिसका डांस करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस रणबीर, कॉन्ग्रेचुलेशंस आलिया। सो व्हाट डू यू वांट टू से? वी आर इन द क्यू बेबी, आर यू बैक? इज इट ट्रू? नो, वी आर इन द क्यू, हम क्यू में। इन टर्म्स ऑफ समडे, समडे इट्स अ लवली फीलिंग। या इट्स अ लवली फीलिंग, या राइट, ओके बाय, थैंक यू, थैंक यू, यस यस यस, थैंक यू सो मच।
कोई आगे मत आना, कोई आगे मत आना, मचाने का क्या बात है? राजा भाई क्या है? चलो और आगे हट जा भाई, चलो पीछे हो, क्लियर करो अभी, चल हट जा। यस रेडी, थोड़ा पीछे आना भाई। मैम सॉरी, मैम दिस साइड, राइट साइड, मैम दिस साइड, मैं जी दिस साइड, मैम मैम दिस साइड, अच्छे दिख रहे हो। यस एक मिनट रुक जा, मैम मैम सबको देखो मैम, मैम दिस साइड, मैम इधर, मैम मैम, यस वेलकम। भाई थोड़ा पीछे हो जाना भाई, एक पहले ना सर थोड़ा, एक सेकेंड, एक सेकेंड थांबा, एक सेंटर लुक सर, कशा बस तुम्हें कसा है? आता ट्रॉफी घया, ट्रॉफी घया, हाँ तक ऑलो पीयर तिकड़ू सर, यहाँ से थाम रहे बोलो, एक मिनट, ये सेंटर ट्रॉफी मध्य घया, यस करेक्ट, या वर्थी करेक्ट सर, नाइस, वेट वेट वेट, आता एक सिंगल द्या, सिंगल आज नाही, आज मी नवऱ्या बरोबर, ठीक आहे, मला जोडी अवॉर्ड मिळाला, एक मिनिट, जोडी थँक्यू गाइस, थँक यू, बाय बाय। अंगिता सिंग एक सवाल, एक सवाल, अंगिता सिंग एक सवाल, फोन नीचे कर दीजिए, लाइट लास्ट तक चालू करने बंद नहीं करने, आवाज पानी जी, मैम यहां पे, मैम स्टार्ट हो यार, मैम के राइट राइट, मैम लुक हियर, मैम लुक हियर, रूपाली जी आप कर लो ना, हम लोग को मिल जाएगा, मैम यहां पे, हाय हाय हाय, मैम चलो काम के और, रूपाली जी कैसे हो आप? पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ सर, साथ में, साथ में रूपाली जी, बस 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 रूपाली जी आ गए, यहां पे आ गए भाई, पीछे आ, तो कितना आगे जा रहा है भाई, काम आ गए मैम, भाई चलो थोड़ा पीछे आ जाओ भाई, चलो सब लोग पीछे आ जाओ, सब लोग चलो आ जाओ, सब लोग पीछे आ जाओ, मोबाइल पीछे ले भाई, और पीछे आओ सब जन, वहां से भी जगह है, आ जाओ पीछे, प्लीज काम करो, आजा ये सीडी सेंटर लुक, सामने 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 ऑल ऑफ यू लुक सेंटर, यहां पे, यहां पे सेंटर, सेंटर ऑल ऑफ यू लुक, ये लुक ना, मैम एकदम सामने,
मैम यो रूपाली मैम एक राइट में यहां पे ऊपर थोड़ा सा रूपाली जी यहां पे यहां पे मैम यो सेंटर रूपाली जी इधर रूपाली जी इधर रूपाली मैम ऊपर मैम इधर 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 मैम यो सेंटर रूपाली जी इधर रूपाली मैम यो सेंटर मैम यो रूपाली मैम यहां पे रूपाली मैम यहां पे रूपाली मैम यहां मैम यहां पे नहीं देखा रूपाली मैम यहां पे रूपाली मैम 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 रूपाली जी यहां पे क्या रूपाली जी यहां पर एक वीडियो में देखा बता मैम आपके से सामने रूपाली मैम डन 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 थैंक यू आग लगा दो तो थैंक यू हेलो फेस कवर हो जाएगा एक ही साइड रखते हैं सारे बस हटा दे सारे सारे हटा दे सारे हटा दे फेस कट रहा है हटा दे या आपका ये पहले बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू राजन सर जिनकी वजह से ये शो है हम सब हैं एंड टू ऑल द फैंस जिन्होंने इतना प्यार दिया और उनकी वजह से पॉपुलर और ये आइकॉनिक और ये जितनी भी टर्म्स हैं वो इस किरदार से जुड़ पाए एंड स्पेशली माय को एक्टर रूपाली जी जिनकी वजह से अनुज बिकेम व्हाट अनुज हैज़ बिकम आई थिंक अनुपमा के बिना अनुज नहीं है अनुज के बिना शायद आप जैसा आप कहती हैं बट या थैंक यू अवार्ड मिलना कोई भी रिकग्निशन मिलना बहुत ही अच्छा लगता है पर इस अवार्ड के असली हकदार बेसिकली हमारे प्रोड्यूसर राजू शाही हैं जिन्होंने ऐसा पाथ ब्रेकिंग शो लाया जिन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट सोचा जो हर महिला के दिल को छू गया है और मेरी पूरी टीम अनुपमा फ्रॉम एवरी टेक्नीशियन एवरी कास्ट मेंबर द एंटायर यूनिट ऑफ अनुपमा डिजर्व्स दिस अवार्ड मैं सिर्फ नाम की अनुपमा हूँ मेरे पीछे 100-120 लोगों की यूनिट खड़ी होती है राइटर्स हैं हमारे सारे जो दिवी जी भावना नमिता ये सारे जो हैं ये अनुपमा है आई एम जस्ट द फेस सो उनके बिहाफ पे ये रिकग्निशन मुझे मिला इज वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच थैंक यू मज़ा आता है तभी तो आपको मज़ा स्क्रीन पर दिखाई देता है जब स्क्रिप्ट अच्छी लिखकर आती है तो हर एक्टर एक्साइट होता है कि उसे कैसे पोर्ट्रे करेंगे किस तरह से उस पर काम करेंगे आप बताइए आपको कैसा लगता है जब वनराज जी आपसे चलते हैं सभी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हमारे शो में और जब सारे प्लेयर्स अच्छे होते हैं तो मैच खेलने में मज़ा आता है एंड आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल माय लाइफ सो जब इतने अच्छे और इतने उम्दा कलाकार साथ होते हैं तो अपनी भी परफॉर्मेंस उस लेवल पे ले जाना पड़ता है और इतनी अच्छी एक्ट्रेस साथ में है तो बहुत सीखने का मौका मिला एंड हो गया थोड़ा वक्त इंडस्ट्री में लेकिन जितना मज़ा अनुपमा में आ रहा है आई फील हम सभी को हम सब ने एक बॉडी ऑफ वर्क किया मज़ा आता है बिकॉज इट्स अ केस ऑफ परफेक्ट कास्टिंग एंड परफेक्ट मिक्स ऑफ पीपल आई हैव टू इंट्रोड्यूस यू टू माई DOP एंड माई डायरेक्टर्स जिन्हें दे आर द अनसंग हीरोज ऑफ अनुपमा करेक्ट सो प्लीज़ हम सिर्फ एक्टर्स हैं एंड इट इज़ ऑलवेज देम जिनकी वजह से हम अच्छे दिखाई देते हैं स्क्रीन पे सो प्लीज़ कैन आई इन्वाइट देम रोमी सा अभय गुलशन प्लीज़ आइए ना एक मिनट यू हैव टू आस्क देम क्वेश्चंस प्लीज गुल्लू रोमी सर इज माइंड ब्लोइंग आई डोंट नो व्हाई देयर आर नो कैटेगरीज फॉर DOP देयर शुड बी कैटेगरीज फॉर एवरी टेक्नीशियन आवर साउंड रिकॉर्डिस्ट इज फैंटास्टिक गुलशन शाह तो मतलब I think one of the best camera works on television. हाँ, social media से जुड़ा हुआ है, will know Gulshan Shah and his work. He's fantastic. Sir, please sir. अबे सर. आशीष. आजा.
आइए सर, आइए आइए। दिस इज माई डायरेक्टर मिस्टर रमेश कालरा सर। एंड दिस इज माई डी ओ पी रोशन शाह एंड दिस इज माई डायरेक्टर अगेन रोमेश सर टीम अभय जाधव। सो दीज आर द पीपल हु आर अनुपमा एंड वी आर जस्ट फेसिंग। सर वो पूछे कैसा कितना मजा आता है, तो हमने कहा इन लोगों से पूछे जो हमसे इतना काम करवाते हैं। आप लोग आगे आइए, आप लोग आगे आइए प्लीज। अनुपमा सिर्फ एक शो नहीं है, अनुपमा में माँ है और ये सारी माओं का आशीर्वाद है, और जहाँ माओं का आशीर्वाद हो तो वहाँ पर सबका ही प्यार मिलता है। काम नहीं मिलता ये देखिए, मिला तो है इससे अच्छा और क्या क्रेडिट होगा, और ऑडियंस इतना प्यार देती है उससे ज़्यादा हमारे लिए वही क्रेडिट है। शो चलता है जब रिकग्निशन वही होती है हमारे लिए, जब शो देखते हैं लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, दैट इज लव। इनफैक्ट आई एम मिसिंग आर राइटर्स, हमारे प्रोडक्शन हाउस को मिला है, राजन जी को मिला है अवार्ड, हमारे डायरेक्टर को मिला है। इनफैक्ट मेरा सबसे ज़्यादा खुशी का अवार्ड ये है, हमारे डी ओ पी को मिला है, वेरी वेल डिजर्व। And I'm missing our writers, yeah, Bhavna, Namita and Divi ji, उन्हें भी मिलना चाहिए था, और बाकी सारे cast members को भी। क्यों हम धरने पे बैठे हैं, हाँ सारे सबको सारे award अनुपमा को ही मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। टीवी में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? एक नई सोच थी, नई ऊर्जा से ओटीटी की शुरुआत हुई, पीछे का पता चला अनुपमा का पिछला साल कैसा था, उसके बारे में क्या कुछ क्या थॉट प्रोसेस था? ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी था, एंड ये आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ टीवी कभी ऐसा हुआ है जबकि एक टीवी सीरियल ऑलरेडी ऑन एयर है और उसका प्रीक्वल बनाया गया हो ओटीटी पे, आज तक वर्ल्ड में कहीं पे भी ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि ऑडियंस ने उतना ही प्यार उस प्लेटफॉर्म पे भी हमें दिया जितना टीवी पे देते हैं। सो वील ट्राई एंड कीप ऑन मेकिंग सच गुड स्टफ अगेन। बोलिए सर, हमको तो बताते नहीं, आप यहीं बता दो वो तो अरे हमें नहीं पता चलता यार, अगर सारे ट्विस्ट बता दूंगा तो फिर देखने का मजा क्या आएगा, आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। जानने के लिए देखिए अनुपमा स्टार प्लस 10 बजे सोमवार से शनिवार। थैंक यू सो मच। आइए सर, थोड़ा सामने आ जाइए ना, देखिए वेरी एक्साइटेड कि इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड में आए हैं और जितने भी विनर्स हैं अंदर, वी आर द होस्ट, हम हर जगह जाते हैं, एंड सो हैप्पी कि आजकल आदिल और मुझे हर अवार्ड में बुलाया जा रहा है, इंक्लूडिंग आइफा, इंक्लूडिंग ऑल द अवार्ड्स मी एंड हिम डूइंग, और जितने भी देश भर से विनर्स होते हैं हम उन्हें क्राउन पहनाते हैं, उन्हें अवार्ड देते हैं। सो नेक्स्ट मंथ हमारा दुबई में भी अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड हम दुबई में कर रहे हैं। ये तो आदिल ही बताएंगे कि उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। एक घर लिया है, वी आर प्लानिंग टू बाई मोर, और थोड़े घर का प्लान किया है, लेकिन एक तो हमारा बहुत क्यूट और बहुत अच्छा घर है, आपने इंस्टाग्राम में तो देखा ही होगा राखी के, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस वी हैव। मतलब मेरी मुंह दिखाई है, आप समझो मुंह दिखाई। देखिए आदिल मुझे हमेशा इंटरनेशनली बनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि बस अपनी अभी तुमने जितने भी यू नो रिवीलिंग कॉस्ट्यूम पहनने थे पहन लिए, इनफ, अब द वे आई स्टाइल यू, यू हैव टू बी लाइक दैट, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यू एज अ लीड एवरीवेयर, नॉट जस्ट एन आइटम नंबर और स्पेशल अपीयरेंस।
सो कैसे जैसे प्रियंका मलाइका एंड दीपिका दे वेयर दिस काइंड ऑफ अ क्लोथ्स यू नो कभी कोई पता नहीं अलग अलग टाइप के पहनते हैं तो आई थिंक मेड गला टाइप कॉस्ट्यूम एंड दिस इज इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड सो टोटली ही वॉन्ट्स मी टू वेयर मेड गला टाइप कॉस्ट्यूम्स am I right very much she always wears what I ask her to wear I'm very much happy ab to inhi ki chalegi hamari nahi chalegi kya dubai mein permanent shift hoge kya nahi nahi mera ek pair dubai mein rahega aur ek pair india mein rahega aur beech mein jo bhi aaye that I don't care about ha yeah I wish के बहुत जल्द गोल्डन वीज़ा मिल जाए बिकॉज एवरी मंथ आई एम ट्रैवलिंग बिकॉज आदिल ने मुझे अभी एक घर तो किया है अप्लाई तो किया है वी आर वेटिंग एक्सपेक्टिंग बिकॉज अभी वहाँ पे रेसिडेंस भी होगा आदिल ने वन हाउस मुझे गिफ्ट किया है नाउ इज प्लानिंग टू गिव मी 10 हाउस एम आई राइट यस बिकॉज मुझे लगता है कि इंडिया से चीपर प्राइस है दुबई में डोंट लिसन एनीथिंग राइट नाउ डोंट लिसन सामने देखो उन्हें मतलब व्हाट टाइम अवार्ड इज ऑन टेबल मंगाओ ना टेबल माय अवार्ड इज ऑन टेबल देखिए आदिल मेरे बॉयफ्रेंड है मैं उनसे प्यार करती हूँ मुझसे ज़्यादा वो मुझसे प्यार करते हैं बट लोगों का कहना ये है कि मैं उन्हें बिग बॉस में लेके जाने के लिए प्यार कर रही हूँ ये सरासर इल्ज़ाम है मुझ पर आप पूछिए क्या आदिल बिग बॉस जाना चाहेंगे वो बिल्कुल मना करेंगे मना करो मना करो गाइस ये मुझे अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम यू नो वहाँ पे अब्रॉड में मेड गाला है यहाँ पे लेड गाला है नाइस टाइटल लेट गाला के लिए वाओ आई लाइक इट देखिए मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता अभी जुम्मा मेरा अफेयर 3 महीने भी 4 महीने भी नहीं हुआ और आप मुझे शादी की डोरी मतलब शादी के मंडप में बिठाना चाहते हैं व्हाई अभी मुझे उनके साथ घूमना फिरना है हर जगह मज़े लेने हैं टोटली जिंदगी के यू नो या वी हैव टू ट्रैवल अ लॉट एंड वी वांट टू बी टुगेदर सो इतनी जल्दी शादी क्यों बट शादी करेंगे डेफिनेटली रोज जो मैं बोलता हूँ वो आज ये बता दिए बस नहीं आप बोलिए आप बताइए ना कब शादी नहीं नहीं ये खत्म करते हैं तुम्हारा कंप्लीट मेरा अवार्ड चाहता मैं साथ में लेके घूम रही हूँ ये न्यू टाइप का रेनकोट है हाँ हाँ राखी की बड़ी गाड़ी कब आएगी राखी गाइस ये न्यू टाइप का रेनकोट है देखो छाता में साथ में लेके घूम मतलब बारिश में चलो ना कहा तो पता चलता पानी रुकता है कि नहीं अरे नहीं बाबा मैडम है ना राखी जी चलो चलो इससे बड़ी गाड़ी कब आएगी किससे इससे बड़ी गाड़ी ओह माय गॉड ओह माय गॉड राखी जी चले ऑडी पे राखी जी चले ऑडी पे क्या आदिल भाई बड़ी गाड़ी कब आएगी अभी अरे इससे बड़ी गाड़ी आनी चाहिए रेंज रोवर अभी इनके पास रेंज रोवर सब है इनके पास गाड़ियों का वो है इनके पास सारी कार्स ऑल कार्स रेंज रोवर है यस यस मैं तो सोच रही हूँ कि मैं हमारी शादी फ्लाइट में करूँ प्राइवेट जेट में जा हमारी शादी फ्लाइट में करते हैं नहीं नहीं गाड़ी में मैसूर में करे छोड़ तू ही बता दे मैं बता दूं मालदीव में करे मालदीव बोल रहे हो मालदीव उसके लिए भी कोई लड़की देखो
आदिल ने कहा है पूरी मीडिया रहेगी शायद, रोहित नहीं पहुंच पाएगा, फिर रोहित नहीं पहुंच, आदिल मैंने बोल दिया ना फिर सब पहुंच जाएंगे। बाय बाय बाय, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, बाय बाय। अरे आ गया सर, आ रहे हैं यहाँ पर, आ रहे हैं अरे सिमरन एक मिनट रुको, क्या हो जा रहा था वो सब जगह करेंगे, इधर इधर मैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं इधर सामने, भाई 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 सामने, यहाँ पे, भाई मैं यहाँ पे, यहाँ पे मैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे, भाई यहाँ पे, यहाँ पे अरे रुको भाई यार, भाई इधर भी, भाई इधर, भाई भाई इधर भी, सिमरन सिमरन सिमरन, वेट 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 सर, यार दिस साइड सिमरन तो वेट कर लेगी, रात को देरी हो रही है, जा रहे भाई, लेम राइट, लेम राइट, थोड़ा सा आगे आइए, मैम यहां पे राइट में, I want to wish them lots of happiness, good luck, or kya, lots of success. And are you nominated for any category? Would you like to find something? I don't want to say right now. I just want to go inside and come back, and then I'll speak to you guys. And what do you want to say about the reels recently? There are so many reels that are getting good response of you, and people are waiting for you and friends to get any project. Yeah, I'm glad people are loving us together and they literally love our social media, and for that love only we really really try to make things interesting for them. I think now we're gonna start again because we have been traveling a lot for our shoots and all that. So now we're gonna start for you, all of you guys who are waiting for us to be together. Yes, yes, I'm shooting for my app, I'm shooting for my new web series. I don't know, I'm allowed to say that name or not, but right now I'm shooting for that and it's for Woot. Any music with Prince? There are some projects with Prince also, and I'm gonna tell you very very soon why, because let the release. What do you want to say about your look today? Oh, for my look, I thought I should just change my entire feel because I was bored seeing myself. simple, let's go for something interesting. So I'm very happy. Thanks to my stylist who's given me some different idea, and hair was decided by me, so yeah. Thank you so much. Thank you. How are you? मैम इधर, अभी मैम सामने इधर, मैम लेफ्ट, थैंक यू मैम, चलो हो गया Mom Influencer of the Year, and I think that's a very special and special award for me because it's because of my daughter. काफी videos viral होते हैं, even in your vlogs also looks like के काफी love प्यार मिलता है fans के तरफ से, और award भी मिला है उसके बारे में जानने से ज़्यादा। I think Dara is a very loving and very giving child, and so when I was coming, I told her that Dara, I'm getting an award, and all thanks to you that you got me back into the business, and I think I've got an award. It's because of her, because people love her so much, and.
and eventually they have started loving me also. So because I was getting Mom Influencer Award, I thought I'll wear a sari, and Tara likes me wearing sari than western clothes. And any upcoming projects? Yeah, I'm considering now to get back to work, so yeah, soon. To each its own, I feel. I think it's just the upbringing of the parents, how they want to deal with the child. It's good and bad, both. Ma'am, you. Like, yeah. This I is know. Amazing. I saw that smile and I was like, She's looking really nice.
This is amazing. Too cool. Ma'am, is there any particular reason behind this? Nothing. I just wanted to do something different, and so I did. And sir, का नया गाना आया बारिश. ये बारिश में ही गाने क्यों कर? तुम मेरे साथ कब करोगे गाना? पीटना नहीं मुझे Viking है इसका मतलब ये नहीं. You will kill me right now. After every song, rain gets heavier. Yes, after this, every song is rain gets heavier from my side also. But when we are going to see you guys for a song? तुमने confirm किया कि हम लोग कुछ कर रहे हैं मुझे नहीं पता. बहुत बहुत मैंने confirm कर दिया. हम कोशिश कर रहे हैं. We both trying कि एक साथ कुछ प्रोजेक्ट कर पाएं बट इट्स नॉट वर्किंग आउट. अभी तक नहीं हो पाया बट होपफुली जल्दी होगा. हम खुद ही कर लेंगे. मैम हाल ही में साथ के साथ भी खेला था पीपल एंड लाइक आई यू गोइंग फॉर मेट्रो के खिलाड़ी. वो खुद साफ बन गए. मैम वुड यू लाइक टू से हाल ही में कोई अच्छा साफ खिला? ये हाल ही में नहीं था. ये कुछ पुराना वीडियो है. हां दो तीन महीने वो यहां का भी नहीं है बाहर का है. तो मैं ये करती रहती हूँ. ऐसा नहीं है कि खतरों के वजह से कर रही हूँ. मैं ये करती रहती हूँ. But are you? No. And ma'am, करण सर के साथ भी आपका कोई गाना आने वाला है? जी आने वाला है. क्या कुछ कहना चाहोगे? करण तुम्हारा is a big name right now. जी. What do you want to say about it? I am waiting for the song to come because there are two releases, two songs that are going to come. Nice. I am finally. All the best. Thank you. All the best. Nice. ठीक है. बिल्कुल नहीं कर रही है वो. मैं नहीं करती हूँ. ये फर्स्ट एपिसोड में मेरे सोनाक्षी वाले कॉस्ट्यूम लेके भाग गया था. क्या क्या? किस्सा ये किस्सा. सो पहले एपिसोड में मैंने ऐसा कुछ पहना हुआ था जो अक्सर सोनाक्षी कुछ रंग में पहनती थी. इट वॉज वेरी सिमिलर. उन्होंने मुझे देखा और बोला मेरे कपड़े चुरा लिए. मतलब ही इज बेसिकली सेइंग अल्बेला. अल्बेला या नॉट द इन द शो बट द अल्बेला द गाय विद द अल्बेला. तो उसके बारे में तो हमसे क्यों बोल रहे हो? प्रोड्यूसर से कहो. हां एग्जैक्टली. वी वांट टू बनाना तो उनको है. ओके तो कॉन्टिन्यू. थैंक यू. मैं आ मुझे आई लीव नो नो डू एक 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 इंटरव्यू करें. तुम भी चलो भाई. तू इंटरव्यू अभी देने मेरे राहुल 15 मिनट्स की बात. मैम 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 हाय साहब. हाँ अरे मैं सबको बुला रहा हूँ. कल लगता नहीं था. आ जाइए सर. दीपा जी यहाँ पे बस. अरे महाराज. अरे मिस्टर जैन. मैं उन लोगों को बुला रहा हूँ. और तो दिखाओ. पीछे पीछे पीछे
बस बढ़िया बढ़िया सर, एकदम सामने सर, छपने वाला सामने सर, संजय सर सेंटर जरा, संजय सर सामने सामने, संजय सर सामने सामने सामने, इधर इधर इधर, हाँ भाई इधर, ये कैमरा संजय भाई, आप जीतता बोल रहा हूँ, बैठ चला हो गया, थैंक यू भाई, वीडियो वाला का हुआ नहीं, वीडियो वाला का बाकी है, वीडियो वाला का बाकी है सर, चलो एंटायर टीम हर सीज़न में इनवाइट करते हैं, हर सीज़न में इनक्रेज करते हैं, एंड आइकॉनिक अवार्ड्स के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही वर्ड है, आइकॉनिक है। ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बिकॉज कुछ साल पहले जब मुझसे ये पूछा जाता था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता था कि बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव लीड रोल, बेस्ट विलन, बट मज़े की बात है कि ऑडियंसेस, व्यूअर्स और जो अवार्ड शो ऑर्गेनाइजर्स हैं, अब मुझे अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड करने लगे हैं, कोई कोई वर्सेटाइल एक्टर में अवार्ड देते हैं, कोई कोई बेस्ट परफॉर्मर में देते हैं, सो अब जो थॉट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजर्स की, फैंस की, व्यूअर्स की, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हो गए सारे लोग, और क्योंकि मुझे शो में बहुत ही अलग अलग लुक में किरदार, मतलब किरदार में प्ले कर रहा हूँ विलन का, बट कभी कभी क्यूट हो जाता है, कभी कभी लवेबल हो जाता है, कभी कभी डिस्गाइज लुक में आ जाता है, अपना रंग बदलता है, अवतार बदलता है, इस वजह से कह पाना मुश्किल है कि कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिलने वाला है। इन द फ्यूचर अगर मुझे कोई स्टाइलिश एक्टर का अवार्ड दे दे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नागिन तो बहुत ही मतलब अचानक से मेरे पास कॉल आया, बिकॉज बालाजी टेलीफिल्म्स का ही है, अचानक से कॉल आया कि होली स्पेशल में हमें एक महा सपेरा ला रहा है, महा सपेरा, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, एंड मैम की विश थी, मैम की, मैम विश इज़ माय कमांड, तो मैंने कहा चलो करते हैं, एंड इसी तरह से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, वो एक्टर्स काफ़ी अच्छे थे, डायरेक्टर रंजन सर के साथ काम करने में मज़ा आया, वो दो तीन एपिसोड का ही था, बिकॉज इट वॉज अ गेस्ट अपीयरेंस, बिकॉज आई हैड टू गेट बैक टू कुंडली अगेन, सो अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी। हाँ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाय रावा सिद्धा, हाँ जी थैंक यू एंड थैंक यू वेरी वेरी मच। आई थिंक मेरे जितने जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है, ये शो और ये किरदार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो थैंक यू सो मच फॉर यू नो रेकग्नाइजिंग एंड ऑनरिंग माई वर्क, सो थैंक यू।
अभी हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है जी, उसके बारे में आज आइकॉनिक अवार्ड बस यही कहूँगा कि मतलब जितनी बार भी मेरा काम पसंद किया जाता है आई जस्ट वांट टू से थैंक यू पापा, थैंक यू ईच एंड एवरी वन, बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो यार दोस्तों, मैं ऐसे ही काम करता चला जाऊँगा, मैं रुकूंगा नहीं, आप लोगों का प्यार नहीं रुकना चाहिए और मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। कार्टल की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला आपके काम को, काफ़ी सारा जी जी, उसके बारे में सीजन टू कब आएगा पीपल आर, यार ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कार्टल का सीजन टू कब आएगा, मैं बस अपनी फिंगर क्रॉस कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपको बहुत ही जल्दी बता सकूँ कि ये कब होगा क्या होगा उसके बारे में, सो बट जस्ट विश मी ऑल द लक, थैंक यू। आने वाले समय में क्या कुछ आने वाला है, बहुत सारा काम बता नहीं सकता आपको, लेकिन बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम, बट थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू ईच एंड एवरीवन, थैंक यू। I'm so glad, मैं इतनी खुश हूँ कि I've been invited here and I've also been nominated and it is an international platform and the theme was so amazing which was Met Gala. तो obviously I thought of you know depicting our Indian, थोड़ा Indian style और Indian culture को कैसे Western और उसमें incorporate करके our Indian designers are so accepting. मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, दीदी दिल को बहुत मिस करती हूँ यार, बिकॉज द एंटायर टीम वॉज लाइक फैमिली एंड इट हैज सच यंग एंड डिफरेंट वाइब, तो हर दिन काम करने में बहुत मज़ा आता था, हर दिन चैलेंजिंग कुछ करने को मिलता था, सो आई थिंक आई एम वेरी लकी, आई मिस इट दो, बट आई नो लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन, सो better projects maybe. What kind of project you are looking forward to? I think Riddhi Dil mein itna action karne ko mila, now I want to do action oriented films or even TV serials or web shows, whatever comes, I am looking forward to doing action oriented. Thank you. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है अगर कोई आपके काम को सराहे और एक्नॉलेज करे, इट्स अ बिग डील, बहुत मेहनत लगती है, कई साल लगते हैं, बहुत सपने होते हैं, एंड व्हेन यू गेट समथिंग फॉर द वर्क दैट यू हैव डन इट ऑलवेज फील्स गुड, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये झुकी झुकी सी नज़र बहुत स्पेशल शो है मेरे लिए और अरमान दिस कैरेक्टर के लिए मुझे अवार्ड मिला है, इट विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी एंड दिस हैज़ मेड इट ऑल द वे मोर स्पेशल। इस पर्टिकुलर शो को लेकर स्टार्टिंग फ्रॉम द कास्टिंग, जब पहली बार मुझे ये शो सुनाया गया था तभी से आई वॉज ब्लोन अवे बाई द स्टोरी, बहुत बहुत प्यारी स्टोरी थी, सोशल मैसेज के साथ थी एंड द वे इट वॉज क्रिएटेड, जिस तरीके से लिखा गया, जिस तरीके से डायरेक्ट किया गया, जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, आई थिंक एवरीथिंग वॉज फिनोमिनल और बहुत ज़्यादा सटल तरीके से हमने कोशिश की उस स्टोरी को दिखाने की एंड द ऑडियंस ऑल्सो लव्ड द शो, सो आई थिंक आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस, सारी बहुत बहुत सारी मेमोरीज हैं विद ऑल दी को एक्टर्स, स्वाति इज अ ग्रेट को एक्टर प्लस मानसी जी हू प्लेड माई मॉम, एवरीबडी आई थिंक मृणाल क्रिश, एवरीबडी डिड अ ग्रेट जॉब एंड आई थिंक आई लव्ड बीइंग द पार्ट ऑफ दिस शो। मैं बिग बॉस बहुत इन्जॉय करता हूँ, आई थिंक वो ऐसा एक घंटा होता है जब आप सब कुछ भूल के उस एक अलग दुनिया में चले जाते हो, एंड यू एन्जॉय वट एवर इज हैपनिंग इन द हाउस, आई थिंक आई एन्जॉय वॉचिंग बिग बॉस, जो इनिशियल डेज में रोडीज आता था शुरू में, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, आई एम नॉट अ वेरी आर्डेंट फॉलोअर ऑफ रियलिटी शोज़, खतरों के खिलाड़ी भी मैंने शुरू में देखा था, अभी मैं देख नहीं पाता हूँ, कभी कोई क्लिप्स सामने आ जाती है तो मैं देख लेता हूँ, बट आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू विश ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट, may they do great and come back safe, so हाँ, और खतरों के खिलाड़ी ही मेरा ऐसा शो होगा जो मैं करना चाहूँगा।
स्पॉन्सर शो के लिए बिग बॉस के लिए आई थिंक आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड अभी आई थिंक यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू एंटर बिग बॉस और मुझे लगता नहीं है कि मैं उस तरीके से अभी तैयार हूँ कि मैं बिग बॉस एंटर कर पाऊँगा डेफिनेटली आगे का कुछ कह नहीं सकते बट फॉर नाउ आई डोंट सी माई सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द बिग बॉस हाउस थैंक यू ओके दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग दिस अवार्ड्स एंड आई एम नॉमिनेटेड तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑल्सो कोविड में हम लोग बहुत लो हो गए थे हम सिर्फ काम कर रहे थे सिर नीचे करके बट अभी फाइनली वो अप्रिसिएशन का टाइम आ गया है एंड फिंगर्स क्रॉस आई होप आई विल येस आई एम नॉमिनेटेड फॉर द मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ 2022 आई थिंक शो को इतना प्यार मिला है वी डिडंट एक्सपेक्ट कि सेकेंड सीजन को इतना प्यार मिलेगा बट वी गॉट दैट लव बिकॉज ऑफ अ स्टोरी बिकॉज ऑफ अ क्रू एंड आई जस्ट होप कि आप लोग हमें प्यार करते रहे और मैं हर साल यहाँ पे नॉमिनेट होती रहूँ द थीम वॉज गाला सो ऑब्वियसली मैं थोड़ा गाला मतलब नाइस गाउन पहन के आई हूँ आई होप आपको अच्छा लगे थैंक यू सो मच हाँ थैंक यू सो मच मुझे इंटरनेशनल आइकॉनिक का ये सेकेंड अवार्ड मिला जो पहला अवार्ड मिला था मुझे बेस्ट जोड़ी का मिला था और मुझे जिया मानू को तो इस बार जो मुझे अवार्ड मिला बेस्ट पति का मिला है और मेरी बीवियाँ हैं नहीं सो थैंक यू सो मच जिया मानू फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी को एक्टर ऑन स्क्रीन जो मेरी वाइफ है और थैंक यू सो मच नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत जल्दी आएगा जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूँ अभी बात बात चल रही है मीटिंग्स हो रही हैं जा रहे हैं है ना सो जैसे कुछ होगा तो डेफिनेटली हाँ मैं फैंस को बस यही कहना चाहूँगा जैसे आपने हमारे साथ प्यार बना के रखा है वैसे अपना प्यार बना के रखें प्यार देते रहे हमारे साथ रहे एंड थैंक यू सो मच गाइस एंड गॉड ब्लेस यू लव यू जो साथी है तो भी बहुत टाइम हो गया ना साथी बंद हुए तो 2017 में बंद हुए तो उसके बाद साथी टू शुरू हो गया उसके बाद तेरा मेरा साथ हो गया वो भी तो बहुत टाइम हो गया मिस तो होती है बिकॉज अभी ये देखो ये बच्चे साथ में खड़े हैं हमारे सॉरी आज चल रही अभी बात जैसे कुछ होगा लेकिन थैंक यू सो मच Excited. I think every time you're being recognized for the work you do, it's a proud feeling for not just I think oneself, but also because कहीं ना कहीं जो आपको honor मिल रहा है, it's for the work you do with the entire crew, with the entire team. So I'm very proud of the work you've done on our show. बड़े अच्छे लगते हैं and it should be a fun evening today. Are you nominated for the award? I'm told I'm winning an award. In which category? I think most popular actor television. And what do you want to say about Bade Acche Lagte Hain? It's been like so many people loving your show. About the chemistry between the Charlie. Tell us something. It's not just about Bade Acche Lagte Hain. Just being the show. It's not Bade Acche Lagte Hain. What do you want to say regarding that? I'm just grateful कि 10 साल हो गए इस साल टेलीविजन में एंड हर जो काम किया है काफ़ी सोच के किया है पर सबको प्यार मिला है एंड आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड आई नो आई नीड टू वर्क हार्ड एवरी डे आई नीड टू गिव माई बेस्ट एवरी डे एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट द ऑडियंस इज एक्सेप्टेड इन गिविन अस लव एंड आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड सो आई वर्क जस्ट एज हार्ड एज आई डिड द फर्स्ट डे आई स्टार्टेड माई जर्नी Thank you.
बड़ा खुश हूँ. पहली बार आई थिंक आई हैव गॉटन अ चांस टू प्ले अ पार्ट विद अ चाइल्ड एक्टर. मैंने ज़्यादा एक्चुअली किया नहीं है, इसके पहले किसी शो में किया नहीं है, तो मेरे लिए भी नया है. यू गेट टू लर्न न्यू थिंग्स व्हेन यू वर्क विद चिल्ड्रन स्पेशली. वो इतने स्पॉन्टेनियस और इतने ट्रांसपेरेंट होता है कि जो फील कर रहे होते हैं वो बाहर दिखता है. सो एंड दैट्स हाउ यू वॉन्ट टू बी एज एन एक्टर, यू नो, यू डोंट वॉन्ट टू हैव वॉल्स इन फ्रंट ऑफ यू. तो काफ़ी सीखने मिलता है मुझे, एंड आई फील लाइक अ चाइल्ड अगेन. सो आई एम ग्लैड दैट लोगों को अच्छा लगा. किसकी आ रही है? मेरा तो अभी एक ही शो आ रहा है, बड़े अच्छे. मतलब बहुत महीनों बाद मैं ज़िंदगी में एक चीज़ कर रहा हूँ फिर से. पिछले 6 महीने बहुत ही व्यस्त रहे हैं. मेरा वेब शो आया था, कपल ऑफ फिल्म्स हैड कम. सो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम फुली फोकस्ड नाउ ओनली ऑन वन शो, एंड आई होप द ऑडियंस इज एंजॉयड एज मच एज आई एम एंजॉयिंग वर्किंग ऑन इट. मैं ठीक ठाक लग रहा हूँ शायद, तो रिकवर हो ही गया हूँ. एंड आई मीन इट्स स्टिल स्लो. आई स्टिल डोंट फील एज स्ट्रॉन्ग एंड इट्स डिफिकल्ट टू वर्क लॉन्ग आवर्स, बट आई थिंक स्लोली आई विल गेट देयर. बट आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम बैक ऑन अ सेट व्हिच आई लव द मोस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू चैनल आईडी. थैंक यू यार. क्या बारिश है! यार सोलो पिक्चर, यार सोलो 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 मेरी मेरी सेंटर में यस मेरी सेंटर में मैम जैसे अरे कम, अरे कम, कम मेरी शॉप, नाम कैसे है? नहीं अवार्ड
ऐसे ही रख दो, चलेगा, हमारे फेसेस कवर हो जाएंगे। हाँ हाँ, नीचे ही रखते हैं। नहीं, अवार्ड हाथ में ले ले। ये हम भाभी जी घर के में है कि टीम से है, मैं प्रोड्यूसर हूँ। विदिशा जी अनीता मैम प्ले करती है, चारुल जी रूसा प्ले करती है, और ये मिस मधु गडोडिया है जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एडवोकेट है। ये केसेस के साथ प्ले करती हैं। Thank you so much for this award. This award is actually very prestigious, and I really thank you. I want to thank my producer Mrs. Kohli for trusting me with Anita, and and of course award milna kisko acha nahi lagta hai, so thank you for this award. Ma'am, aap kya kehna chahoge show ke bare mein? पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि रोहिताश जी आज नहीं आ पाए, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। रोहिताश जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, जो वो वेल डिजर्व करते हैं। भाभी जी शो में सब लोग बहुत उम्दार एक्टर है, उसकी पूरी टीम, स्पॉट बॉय, लाइट मैन, कैमरा मैन, एक्टर्स, क्रिएटिव, चैनल एंड टीवी, सब लोग सुपर्ब है। वो एक एक है, तो ये अवार्ड सबका अवार्ड है। भाभी जी घर पर है, सिर्फ घर पर ही नहीं है, भाभी जी लोगों के दिलों में घर कर चुकी हैं, और कई सालों से ये शो चल रहा है, एंड मेनी मोर ईयर्स टू गो, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर बिनाय फॉर मैम फॉर गिविंग मी सच अ लवली अपॉर्चुनिटी। एंड इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ रोहिताश जी आज आ नहीं पाए, उनको एक छोटी सी इंजरी हुई है। आई विश वो यहाँ आते और मज़ा आता, तो बहुत बड़ा मौका मुझे मिला है, और मैंने एक साल कंप्लीट कर लिया है विद भाभी जी एंड हप्पू की उल्टन पलटन, सो एक अलग ही खुशी है, वो लेवल खुशी का और इस अवार्ड के साथ और ज़्यादा बढ़ गया है। सो वी वुड लाइक टू थैंक मोहम्मद नागमन, आदित्य खुराना, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड सीजन 8 फॉर गिविंग अस दिस ऑनर, गिविंग अस दिस अवार्ड कंसेक्यूटिवली। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मोहम्मद नागमन, एंड थैंक यू आदित्य खुराना, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू थैंक मधु विद बिकॉज ऑफ हु वी ऑल स्लीप पीसफुली। She handles our legal beautifully and the whole industry's legal beautifully. Come. You want to say something? Thank you so much, and I'm proud to be a part of this team. ये show जितना अच्छा कर रहा है, I'm proud to have made the documents for this show. So thank you so much. And I'm glad that there are no cases. Oh yes. There should be no cases going forward. That's very important. Thank you so very much. And thank you so much to all of you. A background of your culture of India, and this is what it depicts, you know, modern look with sari. Thank you. Media, low media. मैम लोग क्या बैठ कम टू देन सेंटर, लुक सेंटर प्लीज, थोड़ी सेंटर या भाई इधर हाँ भाई, यहाँ पे मैम सामने। थैंक यू। अरे एक मिनट चुप रहे, थैंक यू कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू ये लाइट वाला लगाते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है। सोलो सोलो लेना आपको, सोलो सोलो ले। मैं यहाँ पे है सामने। मैम लुक क्या सॉरी।
मैम इधर अभी हो गया नहीं है, ये आ गई ना पीछे, अरे मारूंगे मैम यहाँ पे देखिए सामने, यस एडी सेंटर में, यस सेंटर प्लीज मैम, लुक यस सेंटर, मैम यहाँ पे मैम, मैम ये मैम एक मिनट, मैम अभी नहीं हुआ इसका, मैम लुक मैम यहाँ पे, यहाँ पे मैम इधर देखो, मैम यहाँ पे मैम इधर इधर मैम इनके पास घूमा क्या गंदा happening for the eighth time and I'm really happy it has been, it has succeeded so much, like this is happening for the eighth time, I'm really excited, I'm looking forward to it and I'm really glad about it. Are you nominated for anything? Let's see, yeah, they have nominated, yeah. And what do you want to say about your look? My look, I'm wearing a printed suit, sorry. I'm wearing a printed suit and they, I'm wearing shoes, they have put a line on those shoes, so yeah. Bubbly Bouncer, that's I just wrapped up my film and Bubbly Bouncer is being directed by Madhur Bhandarkar ji, and who has been one of the greatest visionary in our film industry, who has given several hits, and I'm really looking forward to it. I'm really excited because this time I'm playing a very different character which I have played before. Like, earlier I have played a fitness champion, now I'm playing a software engineer, which is totally opposite to the roles which I have played so far. Yeah, but it's a new. Tamanna, she is a very, I would say ki she is a person who is very hardworking, and I still remember I used to get up at 5 a.m. in the morning and I have seen her working out. So that's what you look into a co-actor, who is working hard, who is there and is always in the scene. So yeah, she's very cooperative, I would say. All good, आप कैसे हैं? इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा ही बहुत ही अच्छा ये एक अवार्ड फंक्शन है. दिस इज़ द एट्थ सीजन ऑफ इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड एंड आई एम सो ग्लैड दैट इट इज़ डूइंग वेल एंड आई होप कि आगे सालों साल ये इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड चलता रहे. यस धून कांड फाइनली रिलीज होने वाला है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज. आई नो आई एम ऑल्सो वेरी सैड अबाउट इट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशूज. वो 20 June को रिलीज़ नहीं हो पाया एंड आई नो एवरीबडी ऑल माई फैंस आर वेरी डिसहार्टन अबाउट इट. बट सून इन जुलाई इट इज़ गोइंग टू बी ऑन एयर एंड आई होप जितना मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ मेरे धून कांड के आने का एंड आई नो दैट यू गाइज आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट. एंड अदर इज़ जख्म जो मैंने अभी शूटिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है एंड जस्ट वेटिंग फॉर दैट टू बी रिलीज. दैट्स एन एमएक्स ओरिजिनल दैट विल बी कमिंग ऑन एमएक्स प्ले. Oh, the credit goes to my stylist and I just like this simple yet very fairy tale looking gown, so I wore it for today. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you.